ये बात करीब 10 साल पुरानी है। एक बूढ़ी औरत थी और वो अपने घर में अकेले रहती थी। उसके पैर पैरालाइज्ड थे और उसके हस्बैंड की मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई थी। उसके हस्बैंड को किसने मारा ये आज तक नहीं पता चला। उस बूढ़ी औरत के केयर के लिए एक केयर टेकर को रखा गया था जो कि रोज उस घर में जाती थी। चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी क्योंकि उस घर में 2 फ्लोर्स थे और वो 2 फ्लोर्स सिर्फ एक स्टेयर केस से ही कनेक्टेड थे। तो अगर उस बूढ़ी औरत को ऊपर जाना होता या फिर नीचे आना होता तो केयर टेकर को उसे किसी बच्चे की तरह उठा के स्टेयर केस से ट्रैवल करवाना पड़ता था। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक दिन मेरे पुलिस ऑफिस में एक फ़ोन आया। वो उस बूढ़ी औरत ने किया था, उसके केयर टेकर को किसी ने मार दिया था। तो इस केस के लिए मेरे सीनियर ने सिर्फ मुझे ही भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मैं अपनी कार से उसके घर पे गया और घर के अंदर जाते ही मैंने उसके केयर टेकर की लाश देखी जो कि ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी हुई थी। उसके वोकल कॉर्ड्स फट चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा, वो मेरी तरफ देख रही थी। वैसे मैं उस पर सस्पिशन कर नहीं सकता था क्योंकि वो तो मूव भी नहीं कर सकती एंड वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। बिना किसी के मदद से वो नीचे आ नहीं सकती थी और वो ऊपर ही ट्रैप्ड थी। और केयर टेकर का मर्डर ग्राउंड फ्लोर पे हुआ था, सो ये उस बूढ़ी औरत के लिए तो पॉसिबल था नहीं कि वो नीचे आए और उसे मारे। खैर, मैंने अपना वही टिपिकल सा काम किया। मैंने उसके केयर टेकर की लाश के खून का सैंपल लिया और उसके बाद उसकी लाश को ढक दिया। देन मैं उस बूढ़ी औरत से कहने लगा कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर भी छानबीन करनी है। पर वो औरत हेजिटेट करने लगी। वो कहने लगी कि वो इतनी देर से फर्स्ट फ्लोर पे ही है और ऊपर कोई भी नहीं था। लेकिन मैं स्टिल अपनी संतुष्टि के लिए ऊपर जाने लगा। मैं धीरे धीरे ऊपर गया और फिर उस बूढ़ी औरत के साइड से पास होने लगा। मैंने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कॉरिडोर था जिसमें 3 कमरे थे। मैंने पहले कमरे के दरवाजे को खोला, अंदर कुछ भी नहीं था, जस्ट एक नॉर्मल सा बेड था। देन मैं बाथरूम में गया, उधर भी कुछ नहीं था। फिर मैं उस बूढ़ी औरत के बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसका दरवाजा खोला। वो बूढ़ी औरत अपने व्हीलचेयर के साथ स्टेयरकेस के सामने बैठी हुई थी। उसके रूम में भी सब कुछ नॉर्मल था, एक बेड, एक अलमीरा, एक टेबल और उसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ था। मैं उधर की छानबीन करने लगा और मुझे वहां पे कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं दिखा। देन सडनली मेरे दिमाग में कुछ तो ट्रिगर हुआ और मेरा हाथ सीधे मेरे रिवॉल्वर पे गया। एज मैंने ये नोटिस कर लिया था कि उस फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी टेलीफोन नहीं था। उस घर में एक ही टेलीफोन था जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। और अभी थोड़ी देर पहले ही उस बूढ़ी औरत ने पुलिस ऑफिस में फोन किया था, लेकिन वो तो फर्स्ट फ्लोर पे ट्रैप्ड थी और उसके पैर काम नहीं करते। मुझे जैसे ही इस चीज का एहसास हुआ मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन मैंने देखा कि स्टेयर केस के सामने जस्ट एक खाली व्हील चेयर पड़ा था।